बक तू। जाओ मैं देखती हूँ। खोलो खोलो। कौन है? देखिए खोलो। कौन है? खोलो खोलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका बेटा अब घर पे? वो नहा रहा है। कोई काम था? हाँ वो हाजी साहब सुबह फरमाइश करके गए थे कि सूजी का हलवा खाना, बनाने खड़ी हुई तो चीनी खत्म हो गई। वो नहा के आए तो कहना किराने की दुकान से ले। थका हुआ है वो, खाना खा के आराम करेगा। जी अब उनको मैं लेकर आता हूँ। शुक्रिया। और कुछ नहीं चीनी। बहुत ही बदतमीज लड़की, लगता है माँ ने तरबियत ही नहीं की। हाजी साहब का हलवा। मैम शीदा आया है। आपने बुलाया था शीदे को? हाँ भेजो उसे। ओके मैम। हेलो। हाँ क्या नाम है तुम्हारा? शायद, प्यार से मुझे शीदा कहते हैं। करते क्या हो बदमाशी के अलावा? गरीब आदमी हूँ। गरीब आदमी को भूखे नंगे पेट बदमाशी कहाँ से देती। लोगों ने मेरा रिकॉर्ड खराब किया हुआ है। पता नहीं वो कहते हैं ना बद से बदनाम बुरा। मैं बदमाश मशहूर जरूर हूँ पर हूँ नहीं। पता नहीं लगता है मोहल्ले वाले मुझसे हसद करते हैं जलते हैं। शायद मैं टिप टॉप रहता हूँ। अच्छा अच्छा ज्यादा बातें नहीं पसंद मुझे। तुम्हारी जमानत इसलिए नहीं करवाई कि तुम्हारी ये कहानियां सुन सकूं बल्कि इसलिए करवाई है कि सच जान सकूं। कसम उठवा लीजिए। पीछे खड़े हो बैठो। कसम उठवा ले हवालात में एक एक बात की गई बिल्कुल सच है। आप जिस किसी की भी कसम खाने को कहेंगे ना मैं खाने के लिए तैयार। मैं उस लड़की को जानता तक नहीं हूं। तेजाब फेंकना तो दूर की बात है। मेरे घर में भी माँ बहन है। मतलब मैं कभी ऐसा बारे में सोच भी नहीं सकता। अच्छा तुम्हारा ड्रामा नहीं देखना। तुम्हें इसलिए रिहा नहीं करवाया कि तुम्हारी कहानियां और बेकसूर होने के सबूत इकट्ठा करूं बल्कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि मलिक दिलावर को इस केस में क्या दिलचस्पी है।